हेलो गाइस, हैशटैग लिपिका पर आपका स्वागत है। मैं लिपिका, आज मैं बताने वाली हूँ इग्नू के बारे में, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि ये इग्नू के बारे में कुछ बताओ, मेरे दोस्त मेरे रिलेटिव्स ने, तो इसलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ इग्नू के ये एम कॉम कोर्स के बारे में फुल डिटेल्स, जो कि एडमिशन, सिलेबस, फीस सबके बारे में है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आती हूँ इग्नू एम कॉम कोर्स एंड सिलेबस। तो यहाँ पर जो कोर्स ड्यूरेशन है 2 इयर्स के, और एग्जामिनेशन टाइप 2 तरफ में होते हैं, एक जो है असाइनमेंट्स और रिटन एग्जाम्स। इसका जो एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर डिग्री, कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी। तो नेक्स्ट है सेकंड, 2 इयर्स का कोर्स है। तो फर्स्ट ईयर का कोर्स डिटेल है, 6 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है IB1, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, IB2 इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, IB3 इंडियाज फॉरेन ट्रेड, IB4 एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीड्योर एंड डॉक्यूमेंटेशन, IB5 इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, IB6 इंटरनेशनल बिजनेस फिनेंस। तो ये जो है ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है, कोर्स डिटेल है। इसके इंक्लूड असाइनमेंट भी है और रिटन एग्जाम भी है। सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है वो भी 6 सब्जेक्ट है। फर्स्ट है MCU1 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, MCU2 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, MCU3 है बिजनेस इन्वायरमेंट, MCU4 है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, MCU5 है मार्केटिंग मैनेजमेंट, MCU6 है फिनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो आते हैं एडमिशन टाइम के बारे में, तो साल में 2 टाइम एडमिशन करा सकते हो आप। फर्स्ट है जून और सेकेंड है दिसंबर। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, फर्स्ट एडमिशन टाइम पर हम लोगों तो 7,000 लगे थे, पर इस साल 11,000 हो गए इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल्स, बट एग्ज़ाम फी नहीं है इसके अंदर, आपको अलग से देना पड़ेगा। और बाकी के जो चार्जेस है बहुत कुछ आपके कैफे से लेना पड़ेगा, इंटरनेट से, तो वो तो अलग है। तो यही था मेरा वीडियो, और मैं कोशिश की हूँ फुल डिटेल्स देने की। अगर जिस लोगों ने मुझे पूछा था, अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।